कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ। मैं अपनी वालदा के बारे में पूछना चाह रही थी। उनके पाँव की हड्डी जो है एड़ी के पास से बढ़ गई है और दर्द जो है पाँव से लेके पूरी टांग तक फैल जाता है, तो अगर उसके सिलसिले में कुछ आप बता रहे हैं तो बड़ा मेहरबानी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप जो है कैलिफोर्निया से कॉल कर रही हैं, पाँव की हड्डी बढ़ गई है, उसका इलाज जो है, अगर आप पॉसिबल होते कि ईंट लें, ईंट जो मिट्टी की ईंट होती है, जो हमारे मुल्कों में जो वो ईंट सुर्ख ईंट बन जाती है, या यहाँ पर भी ये ईंट मिलती है ऐसी, वो सुर्ख ईंट आपको मिल जाती है जिससे इमारत बनाते हैं, तो आप वो पकी वो एक ईंट लें। ईंट लेके उसको गर्म करें, उसको चूल्हे में गर्म करें कि चूल्हे के पास आग के पास रख के उसको मुख्तलिफ कुंडों से पकड़ के वहाँ आग पे गर्म करें। ठीक, गर्म करने के बाद आप उसके ऊपर जो है तीसरा कलमा पढ़ें 11 दफ़ा, सुभानअल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, अज़ीम तक पढ़ना है 11 मरतबा। ये पढ़ें, पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये पढ़ के उस ईंट के ऊपर दम करें, दम करके उस ईंट के ऊपर एक हल्का सा कपड़ा या तौलिया ऐसा रखें ताकि पाँव जब उसके ऊपर रखा जाए तो वो जलाए ना, ऐसा कोई कपड़ा रखें। अब वो जो जिस तरफ से हड्डी बढ़ रही है वहाँ पर वो ईंट को रखें, मुख्तलिफ ईंट के गर्म हिस्सों से उसको टकोर करते रहें, जिसको टकोर करना कहते हैं वो टकोर करते रहें। तो ये दिन में कम अज़ कम 3 बार करें, सुबह दोपहर शाम 3 बार करें। बहुत ज़बरदस्त हमारा है कि इससे बड़ी हुई हड्डी जो है बिल्कुल अपने मकाम पे वापस चली जाएगी और आपकी टांग का दर्द ख़त्म हो जाएगा। वरना यहाँ तो हॉस्पिटल में गए तो वो उसकी कहीं बड़ी हुई हड्डी इसको काट देंगे, भी इसका ऑपरेशन होगा तो उसको काटते हैं, लेकिन ये अमल जो है बहुत ज़बरदस्त अमल है। इस तरीके से आप वो अमल करें, इंशाल्लाह जो है वो बड़ी हुई हड्डी जो है उनकी बिल्कुल अपनी जो मकाम पर वापस चली जाएगी और ज़ायद हिस्सा उसका जो है वो सब जो सब कुछ सब जो श्रिंक हो जाएगा और शिफा हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। नाज़रीन, आप यूट्यूब के सवाल ले लेते हैं। ये ज़ारा खान है, कहते हैं कि हमने किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की थी और वो शख्स रकम लेकर भाग गया, हम बहुत परेशान हैं।